हम बस्तरी से पहले मोहनस्त करना जरूरी है। खावन के लिए मस्तहब है कि बीवी से हम बस्तरी यानी मुबाशरत या जमा से पहले उसके साथ तभी इंसीक हासिल करे ताकि उसकी शहवत अभर जाए और इसे भी मुबाशरत की वो लज़त हासिल हो जो खावन को हासिल होती है। अलामत ताज, खावन को चाहिए कि वो अपनी बीवी पर आचा तक न टूट पड़े बल्कि जिनसी इंसीक के जरिए इसे पेशगी तैयार करना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाशरत के आदाब की तालीम दी है। अलामत ताज, एक मौके पर फरमाते हैं तुम में कोई शख्स अपनी औरत पर उस तरह न टूट पड़े जिस तरह के जानवर टूट पड़ता है बल्कि तुम्हारे दरमियान एक पैगाम रसा होना चाहिए। दरियाफ्त किया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज ये पैगाम रसा किया है। अरशाद हवा बोसा और अल्फत और मोहब्बत की बातें अहिया इलूम अल्दीन। शोहर अपनी बीवी से मकारबत करनी चाहे तो उस पर टूट न पड़े बल्कि उससे पहले उससे कुछ बातचीत करे और उससे इंसीक पैदा करे और फिर उससे हम बस्तर हो जाए। अलामत ताज, उस हम बस्तरी में ऐसा न होगा। मर्द तो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले लेकिन वो औरत उससे अपनी ज़रूरत न पूरी कर सके। अहिया इलूम अल्दीन। हज़रत इंसली की रिवायत के अल्फाज हैं, जब आदमी अपनी बीवी से मजाम करे तो उसके पास सकून वातिमीनान से पहुँचे, फिर जब अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो उससे अलीहदा होने में जल्दी न करे यहाँ तक कि औरत उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। अलमगुनी लाबर कदामा। मालूम हवा के मुबाशरत से कबल औरत से मलावत व मवानिस की ज़रूरत उस लिए भी है कि उस सूरत में उसके लिए मर्द के साथ फराख्त होना मुमकिन हो सके जिसके बगैर उसकी तबीयत तस्कीन मुकम्मल नहीं हो सकती।